गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम. डियर स्टूडेंट, इट्स योर मैथ्स क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू. डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक ऑन पेज नंबर 72. सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालेंगे पेज नंबर 72, दैट इज यूनिट 6, लेसन 9, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं? आप टेबल्स पढ़ते आ रहे हैं, यूकेजी में ही में भी आपने टेबल्स पढ़े थे, अभी फर्स्ट में भी आपने टेबल्स पढ़े हैं, टेंथ तक आपने टेबल्स पढ़े हैं. वहाँ पे हम मल्टीप्लाई जो है वो राइट करते हैं, मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करते हैं. ओके, सो आज हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे. व्हाट इज मल्टीप्लाई? ओके, सो लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन ऑफ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. जो क्रॉस का साइन होता है, दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन पता होना चाहिए. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, किसकी? रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन मीन्स बार बार रिपीट होना. ओके, जब हम एडिशन को रिपीट करते हैं, ओके, उसको हम रिपीटेड एडिशन बोलते हैं. और ए किसकी फॉर्म है? मल्टीप्लिकेशन की. रिपीटेड एडिशन इज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. ओके, जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ टू राइट किया है, हम कैसे राइट करते हैं टेबल? टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू टू, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. ओके, टू मल्टीप्लाई टू, और रीड कैसे करते हैं? टू वन जार टू, टू वन आर टू. टू को जब हमने वन टाइम ऐड किया, देन इट इज टू. टू टू आर फोर, टू टू आर फोर मीन्स टू को जब हम दो बार प्लस करेंगे, देन इट इज फोर. मीन्स जो हमारी मल्टीप्लाई है वो क्या है? रिपीटेड एडिशन है. मीन्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, टू दो बार रिपीट हो रहा है, देन इट इज फोर. अंडरस्टूड? यस. देन टू थ्री आर सिक्स. टू थ्री जार क्या होते हैं? सिक्स. मीन्स टू को हम थ्री टाइम्स प्लस करेंगे, देन अगेन वी विल गेट सिक्स. ओके, यहाँ पे देखो, टू कितनी बार प्लस किया? थ्री टाइम्स. वन टू थ्री, टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स. सो टू थ्री जार सिक्स. सबसे पहले तो आपने रीड जब करना है, देन मैंने आपके ओरल भी लिया था और गूगल मीट भी ली थी. सभी बच्चे टू वन जा जा बोल रहे थे. जा नहीं होता बेटा, टू वंस आर, टू वंस आर, टू टूज आर. ओके, टू टूज आर, टू थ्रीज आर, ऐसे बोलना है. टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स. ओके, सबसे पहले तो आपने ऐसे रीड करने है टेबल. अंडरस्टूड? यस. देन टू फोर आर एट. मीन्स टू को जब हम फोर टाइम्स प्लस करेंगे, देन वी विल गेट एट. दिस इज रिपीटेड एडिशन. मीन्स देखो, यहाँ पे प्लस का साइन हमने यूज किया है. अंडरस्टूड? कितने टाइम्स यूज किया? वन टू थ्री फोर, दिस इज एट. टू फोर आर एट. टू फाइव आर टेन. टू को फाइव टाइम्स प्लस किया, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके, सो इट इज टू फाइव आर टेन. देन टू सिक्स आर ट्वेल्व. टू को हमने सिक्स बार प्लस किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस इज ट्वेल्व. मीन्स दिस इज अगेन रिपीटेड एडिशन. सो हमारी मल्टीप्लाई क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. अंडरस्टूड? यस. टू सेवन आर फोर्टीन. टू को सेवन टाइम्स प्लस किया, देन दिस इज फोर्टीन. टू एट आर सिक्सटीन. टू को हमने एट टाइम्स प्लस किया, देन दिस इज सिक्सटीन. टू नाइन आर एटीन. सो टू को हमने नाइन टाइम्स प्लस किया, देन इट इज एटीन. टू टेन आर ट्वेंटी. सो टू को हमने जब टेन टाइम प्लस किया, देन इट इज ट्वेंटी. ओके, सो मल्टीप्लाई क्या है? हमारी रिपीटेड एडिशन है. ओके, मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. ओके,
सो डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताया है, इसको आपने नोटबुक में नहीं करना है, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? अब हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन आपने नोटबुक में करने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, कम ऑन पेज नंबर 76। ओके, पेज नंबर 76 में हम एक्सरसाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में दिए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट इज 2 + 2 + 2 + 2 + 2। 2 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5। पहले हमने डिजिट देखना है कि कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर हमें दिया है। सो कौन सा नंबर है यहाँ पे? 2। ओके, सो वी हैव रिटन 2 हियर। कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स है। ओके, सो 2 5s are 10। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। ओके, बार बार हमारा सेम डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट इज 3 + 3 + 3 + 3। 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 3 4s are 12। ओके, उसके बाद है 4 + 4 + 4 + 4। डिजिट कौन सा है? 4। हाउ मैनी टाइम्स? कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। सो 4 4s are 16। ओके, आपकी बुक में 3 to 4 क्वेश्चन और दिए हैं, सो आप इसको खुद करेंगे। ओके, इजी है ना? यस, वेरी इजी। सो यू विल डू योर सेल्फ। मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद करेंगे। ओके, रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में दिया है, आपने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द सर्कल। सर्कल में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 × 5। आपका सर्कल फिल किया हुआ है, इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 20। मीन्स जब हम एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम नंबर को चेंज कर सकते हैं, डिजिट को इंटरचेंज करके भी हमारा वही रिजल्ट आता है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट करवाया हुआ है, सो सेकंड यहाँ पे है 9 × 3। ओके, अब यहाँ पे इज इक्वल टू सर्कल में फिल करना है, 9 हमें पहले से दिया है, सो इट इज 27। सो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आएगा? यस, 9 3s are 27। 9 1s are 9। 9 2s are 18। 9 3s are 27। ओके, सो दिस इज 27। नाउ 6 5s are 30। ओके, 5 × (-) = 30। 6 5s are 30, so 5 is written here, then we will write 6 here. Okay, then 6 9s are 54. 6 हमें दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9। मीन्स हम दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, हमारा रिजल्ट वही रहेगा। ओके, देन 9 5s are 45। 9 and then 5, दिस इज 45। अंडरस्टूड? यस। सो हमने इसके 2 पार्ट्स किए हैं, इसके हमने 4 पार्ट्स किए हैं, बाकी आप इसके 3 पार्ट्स घर के लिए होमवर्क करेंगे। अंडरस्टूड? यस। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।